नमस्ते चिल्ड्रेन, आई वेलकम यू ऑल इन माय मैथ्स क्लास। नाउ इट्स टाइम फॉर सम प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इन अर्लियर क्लास वी हैड कंप्लीटेड आर यूनिट 2, विच इज़ बेस्ड ऑन एडिशन। इन दैट क्लास वी सॉल्वड वर्ड प्रॉब्लम। आई होप now after that class you all knew how to solve a word problem. Let's do some practice. See here, I have some questions. There are 4826 bags of wheat. Okay, kya karte hain word problem mein? First read the question carefully. 4520 bags of rice and 3240 bags of gram in store. Find the total number of bags in the store. Now humne kya sikha tha? First we will find out what the information has given here. Number of wheat bag, number of rice bag and number of gram. क्वेश्चन इज आस्किंग कि एक स्टोर है जहाँ पे नंबर ऑफ वीट, राइस एंड ग्राम के क्या हैं, बैग्स हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना उस स्टोर में टोटल बैग्स कितने हैं। वीट मतलब गेहूँ, बैग्स ऑफ राइस, राइस चावल के, एंड बैग्स ऑफ ग्राम चना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन द स्टोर। Now what we have to do, write here solution, start our solution. 4000 number of wheat bag, number of rice bag and number of gram bags. Now राइट हियर 4826। कभी भी हम नंबर्स को सामने लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4826 के सामने हम 4520 को लिखेंगे। अब ये टोटल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, दैट मीन्स कि हमें क्या करना होगा, तीनों बैग्स को ऐड करना होगा, इनका सम फाइंड आउट करना होगा। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, नेक्स्ट नंबर के वंस को वंस के प्लेस पे, टेंस के टेंस को प्लेस पे और हंड्रेड के हंड्रेड के प्लेस पे रखेंगे। 4520 एंड द लास्ट वन 3240। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू एडिशन हियर एंड व्हाट द क्वेश्चन आस्क फॉर, टोटल नंबर ऑफ बैग्स, टोटल नंबर ऑफ बैग्स। Now start your adding. 6, 2, 2, 4, 4 plus 4, 8, 8 and 2, 10, 10, 5, 15, 1 goes in our hand, 4, 4, 8, 1, 9, 9, 3, 12, see, we get 12,586. Now our answer statement is the total number of bags is 12,586 in the store. Now, next question. A man plugged 435 mangoes from one tree, 450 mangoes from the second tree, and 295 mangoes from the third tree. Here we are talking about a man who is plucking mangoes from different trees. Ab information kya diya hai, one tree se usne kitne mangoes liye, 435, सेकेंड वन से कितने लिए, 450 मैंगोज़,
एंड द थर्ड ट्री से उसने कितने मैंगो प्लक किए, तोड़े 295. व्हाट वी हैव टू डू, क्वेश्चन आस्क फॉर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज प्लक्ड फ्रॉम द ट्रीज. अब वो कह रहा है क्वेश्चन कि हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं जो कि तीनों ट्री से प्लग्ड किए गए. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट हियर सॉल्यूशन अगेन एंड व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर. फर्स्ट राइट दैट मैंगोज फ्रॉम वन ट्री. वन ट्री से हमने कितने मैंगोज लिए, 435. नाउ नेक्स्ट मैंगोज फ्रॉम सेकेंड ट्री, 450. एंड मैंगोज फ्रॉम थर्ड ट्री, कितने हैं, 295. ठीक, टोटल नंबर हमें फाइंड आउट करना है. वी गिव हियर सिंबल ऑफ एडिशन. नाउ वंस के जगह पे दूसरी ध्यान देने वाली बात क्या है, आप लोग वंस के प्लेस पे तीनों नंबर्स, जो भी नंबर्स दिए गए रहते हैं, तीन या चार जितने भी नंबर्स दिए गए, वंस के प्लेस पे सारे नंबर्स के वंस के डिजिट को रखोगे, टेंस के प्लेस पे टेंस के डिजिट को. ठीक है, कभी कभी आप क्या करते हो, आधे एक पेज में करते हो, जैसे टू आपने एक पेज में लिखा, एक आप नेक्स्ट पेज में ले आते हो, वैसा नहीं करना चाहिए. जब भी हमें नंबर्स की बात होती है, हमें तो नंबर्स को सेम पेज पे लिखना चाहिए, ताकि हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन या किसी भी डिजिट्स का कुछ भी करना हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो हमारे लिए आसान होता है. नाउ इन आंसर व्हाट वी हैव टू राइट, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दिस थ्री नंबर, 5 and 5, 10 + 0 = 10. 0 वी राइट हियर एंड 1 गोज इन आर हैंड. 3, 1, 4, 5 and 4, 9, 9 + 9, 18, 1 अगेन गोज इन आर हैंड. 4 + 4, 8, 8 and 2, 10, 10 + 1, 11. सो द टोटल नंबर ऑफ आर आंसर स्टेटमेंट इज द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज प्लग्ड फ्रॉम द ट्री इज हाउ मच, 1180. आप जब भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ये स्टेटमेंट तो हमारे होते हैं सॉल्यूशन के लिए, लास्ट में हम क्या ऐड करते हैं, एक सॉल्यूशन आंसर स्टेटमेंट ऐड करते हैं, जिसकी उसने लास्ट क्वेश्चन में पूछा होता है. किसी भी क्वेश्चन के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछता है लाइन से, लास्ट लाइन से जो क्वेश्चन आते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व करते, एक स्टेटमेंट में जो हमने अभी तक किया उसको एक स्टेटमेंट में लिखते हैं, वो हमारा हो जाता है आंसर स्टेटमेंट. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सी इन दिस क्वेश्चन, इन अ स्कूल देयर आर 920 गर्ल्स एंड 2160 बॉयज एंड 185 टीचर्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट स्कूल. ठीक, बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. व्हाई, लेट्स सी. इन अ स्कूल नंबर ऑफ गर्ल्स दिए गए हैं, क्या किया हमने, अंडरलाइन कर लिया जो इन्फॉर्मेशन हमें मिला. नंबर ऑफ बॉयज दिए गए हैं, अगेन आई अंडरलाइन इट. एंड 185 टीचर्स, बट रीड द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्टेटमेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट स्कूल. क्वेश्चन इज डिमांडिंग फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट. ओके, हम जब स्कूल में सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हमें टीचर्स की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे नंबर ऑफ़ टीचर्स जो हैं वो एडिशनल दिए गए हैं. हमें क्या करना है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है. हमें बस क्या यूज़ करना है, स्टूडेंट्स में कौन आते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज. व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू डू सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू दैट सॉल्यूशन. नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, 920 एंड नंबर ऑफ बॉयज, सी
नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो हमारे हंड्रेड्स में है 920 एंड बॉयज़ जो है 2000s में है 2160. स्टार्ट फ्रॉम हियर 0, 6, 1, 2 के वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड. ठीक, आप या फिर क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ बॉयज़ को ऊपर भी लिख सकते हो नीचे भी, लेकिन जब आप नंबर ऑफ बॉयज़ को नीचे लिख रहे हो तो बी वेयर वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग दैट यू हैव टू राइट वंस डिजिट एट वंस प्लेस, टेंस डिजिट एट टेंस प्लेस. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट. फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू एडिशन हियर. एंड व्हाट विल बी आर नेक्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. Solve it. When we add 0 plus 0, we get 0. When we add 2 and 6, we get 8. When we add 9 and 1, we get 10. 1 goes in our hand. यहाँ पे क्या है? मान लो आपका 0 है. 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है जब वो किसी नंबर या डिजिट के पहले होता है. जब भी 0 किसी डिजिट के पहले होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वही नंबर अगर किसी डिजिट के बाद होता है तो उसकी वैल्यू होती है. यहाँ पे क्या हो गया हमारा 0, एंड यहाँ पे हमारा क्या 1 कैरी गया. सो 9 1 10, 0 1 गोज इन आर हैंड, 2 1 3. सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 3080. नाउ आर लास्ट स्टेटमेंट, आंसर स्टेटमेंट इज 3080 students, 80 students are there in that school. Now move to I will explain you this question. What you have to do, you have to solve this question as your homework. Let's start from the first question. Lucky went to the grocery store. She bought 12 packs of cookies. We all like cookies. And 16 packets of noodles. And what is the number of noodles pack? 16. How many packs of groceries did she buy in all? Here she indicates that Lucky is a girl. सो क्या कह रहा है, लकी एक ग्रोसरी स्टोर में गई. सी बाउट 12 पैक्स ऑफ कुकीज़, कितने खरीदे उसने कुकीज़ के, 12 पैक्स खरीदे और 16 पैक्स नूडल्स का लिया. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हाउ मेनी पैक्स ऑफ ग्रोसरीज डिड सी बाय इन ऑल, उसने टोटल कितने पैक्स खरीदे ग्रोसरी के, ये हमसे पूछा जा रहा है कि उसने कितना खरीदा था. तो हम क्या करेंगे, अगेन हमसे टोटल की बात की जा रही है, तो 12 पैक्स ऑफ कुकीज़ एंड 16 पैक्स ऑफ नूडल, दोनों पैक्स को जब हम ऐड करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको क्या करना है, स्टेटमेंट बनाना है. अब स्टेटमेंट मैं एग्जांपल इसमें एक दे रही हूँ, नंबर ऑफ कुकीज़, पैक्स ऑफ कुकीज़ आप ये भी लिख सकते हो, पैक्स ऑफ कुकीज़ इज इक्वल्स टू 12, packs of noodles is equals to 16, total packs of groceries is equals to, what we have to do here, we have to do addition here. So solve this question. Now come to next question. In a school there are 862 girls and 1500 boys. Ek school mein number of girls and number of boys diye hain. How many students are there in that school? उस स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये आपको फाइंड आउट करना है. अगेन क्या करना है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको देखिए और उस बेसिस पे अपने वर्ड सॉल्यूशन को सॉल्व कीजिए. डायरेक्ट आंसर नहीं करना है आपको, डायरेक्ट एडिशन नहीं करना है आपको. आपको क्या करना है, वी आर सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम, सो यूज़ वर्ड सॉल्यूशन फॉर वर्ड problem. And at last what you have to add, you have to add statement, answer statement. Now what the next question ask, Amit went to a pet shop. Amit kahan gaya tha, pet shop pe, theek hai, jahan pe pet
मिलते हैं, पालतू मिलते हैं, जैसे फिश हो गई, पपीज़ हो गए, हमें जो घर में पैरट हो गई, ठीक है, जहाँ मिलते हैं वहाँ पे गया। ही बाउट 15 गोल्ड फिश, उसके पास एक्वेरियम रहा होगा, उसने क्या किया, ही बॉट 15 गोल्ड फिश। गोल्ड फिश कितने लिए, 15। 7 ब्लू फिश, ब्लू फिश कितने लिए, 7। एंड 3 पैकेजेस ऑफ फिश फूड, और 3 पैकेजेस किसके लिए, फिश फूड के। हाउ मेनी फिश डिड ही बाय, उसने कितना फिश खरीदा था। आप ध्यान दोगे फिर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर फिश ओनली, टोटल नंबर ऑफ फिश ओनली। सो व्हाट यू हैव टू डू, थिंक गोल्ड फिश, नंबर ऑफ गोल्ड फिश, नंबर ऑफ ब्लू फिश, एंड लास्ट इज रिटन हियर 3 पैकेजेस ऑफ फिश फूड। इज इट अ फिश, नो इट इज नॉट अ फिश, सो वी हैव टू ऐड ओनली दिस टू। आर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रीड 21 पेजेस ऑफ माई इंग्लिश बुक यस्टरडे इन जस्ट 45 मिनट्स। सी इन प्रीवियस क्वेश्चन सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन, सो डोंट कन्फ्यूज, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। एडिशनल जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आपको बस लास्ट क्वेश्चन देखना है वो क्या पूछ रहा है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई रेड 21 पेजेस ऑफ माई इंग्लिश बुक यस्टरडे इन जस्ट 45 मिनट्स, मैंने कल यानी बीता हुआ कल, वी आर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे दैट मीन्स बीता हुआ कल। टुडे आई रेड 117 पेजेस, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेजेस दैट आई रीड। सी अगेन सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर गिवन हियर टू कन्फ्यूज यू, डोंट गेट कन्फ्यूज। सी आई रेड 21 पेजेस ऑफ माई इंग्लिश बुक यस्टरडे, कितना पढ़ा हमने बीते हुए कल में, कितना पढ़ा 21 पेजेस इंग्लिश बुक का, एंड आज कितना पढ़ा 117 पेजेस। ठीक, यहाँ 45 मिनट्स जो दिए गए हैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमने टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने पढ़े, तो 21 एक दिन में पढ़ा और 117 दूसरे दिन में पढ़ा। सो क्या करेंगे आप, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को आपने अपने वर्ड सॉल्यूशन में ऐड करना है, एंड एट द लास्ट आपको टोटल नंबर फाइंड आउट करना है पेजेस का, एंड अगेन इन लास्ट व्हाट यू हैव टू डू, ऐड आंसर स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फिफ्थ, रवि हैज़ 83 कैंडीज एंड रमन हैज़ 50। रवि के पास 83 कैंडीज हैं एंड रमन के पास 50। हाउ मेनी कैंडीज डू दे हैव टुगेदर, उन दोनों के पास मिलाकर कितनी कैंडीज हैं। तो रवि के पास 83 नंबर ऑफ कैंडीज, रवि हैज 83 कैंडीज, रमन हैज 50 कैंडीज। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन वी हैव टू सॉल्व आर वर्ड सॉल्यूशन, वर्ड प्रॉब्लम ऑन द इन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, देयर आर 3786 men, 3672 women, and 1508 children in a village. एक गांव में number of men, number of women, and number of children दिया गया है। Find the total population of a village. और आपको क्या करना है, उस village का population के बताना है, आबादी बतानी, जनसंख्या, जनसंख्या, जन की संख्या, कितने जन हैं, जन मतलब कितने लोग हैं, चाहे वो बड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, मेल हो, फीमेल हो, सब मिलाकर हम क्या करते हैं, अपना पॉपुलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन्फॉर्मेशन में 3 चीज़ें दी गई हैं, मेन, विमेन एंड चिल्ड्रेन, वी हैव टू डू अगेन एडिशन हियर। ओके, नाउ व्हाट इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड सॉल्व इट। इट्स इज योर टुडेज होमवर्क। थैंक यू चिल्ड्रेन।